भाई को पकड़ के ले जा रहा है। औरत है, औरत की तरह रह। साला तेरी तो, अरे हम मार के चल ले, चल गाड़ी निकाल, अरे भगा उसके पीछे गाड़ी तो, इसकी तो मैं आज, ए निकल गाड़ी, भगा उसके पीछे, इस अपने मौत को मैं, मेरे भाई को पकड़ के ले जाएगा ये, ए जल्दी भगा गाड़ी, अरे नानी के पीछे को छोड़ूंगी नहीं आज, चले, ले इसको, अंदर कहाँ जा रही हो? रुको यही रुको। दूल्हे की चाल मत चल। चल। सर, मिठवा। सर। रघुराज प्रताप सिंह का नाम सुना है तूने? 700 करोड़ का मालिक है, 40 फैक्ट्रियां हैं उनकी। उनके एकलौते बेटे रवि को तेरी बेटी ने फांस लिया है। मैंने तुझे यहां यह कहने के लिए बुलाया है कि अपनी बेटी को कंट्रोल में रख। साहब, ये मत समझना अपनी बेटी का इस्तेमाल करके एक बड़े आदमी को ब्लैकमेल करके तुझे पैसे ऐंठने का चांस मिल गया है। तू और तेरी बेटी दोनों नहीं बचेंगे। बड़का आया है तू और तेरे रघुराज प्रताप सिंह। जाके बोल उसको कि कंट्रोल में रखे अपन बेटा को। होगा पैसे वाला तो अपने घर में होगा, आदमी अमीर हो चाहे गरीब, 9 इंची घुसड़ेंगे ना तो 1.5 किलो मटन खींच लेंगे। तेरी मां का रावण ले। हम बहुत धंधा किए हैं, बहुत तय का जमीन कब्जा किए हैं हम। आज तक पुलिस हमको छू नहीं पाई है। लोग हमरे नाम पे बैंक में पेशाब करते हैं। आज तेरे कारण, सिर्फ तेरे कारण, का नाम है उस लौंडे का, आज के बाद उस लौंडे के बारे में सपने में भी सोचा तो तुम दोनों को काट के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। आप जो कर सकते हैं कीजिए, मैं रवि को नहीं भूलूंगा। सब इस हरामन की वजह से हुआ है। ये जो तेरी महरारू है ना, सर पे चढ़ के नाचती है, इसी ने बिगाड़ रखा है लड़की को। आज दिया ना हाथ भर के, अब बेटी भी ठीक हो जाएगी, प्यार करेगी, प्यार प्यार प्यार। अरे फैशन हो गया है प्यार। क्या प्यार के बिना बड़े नहीं हो सकते? प्यार के बिना का जी नहीं सकते? हम बड़े नहीं हुए, हम का जिए नहीं? कान फाड़ के सुन लो सब, आज के बाद इस मोहल्ला में किसी ने प्यार का नाम लिया ना तो गंडासा लेके टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगी। Thank you.
रवि, तुम्हारे डैडी ने बाबूजी को पुलिस से पिटवाया। कब? कल। हेलो डैडी, मैं फोन रखो। रखता हूँ, पहले मेरी बात सुनो। वसु के पिताजी को क्यों पिटवाया? तुम क्या समझते हो, तुम्हारी इन धमकियों से मैं वसु को भूल जाऊंगा? ए! अगर तुम्हें मेरे प्यार के मामले में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्टली डील करो। आइंदा ऐसी बेहुदा बिजनेस ट्रिक्स हमारे साथ मत खेलना। फिर एक बार बता रहा हूं, ठीक से सुन लो। वसु मेरी जिंदगी है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अभी फोन रखो। तुम्हारी बेटी कहाँ है? दिल्ली में। उसे यहां जल्दी बुलाओ। एक महीने के अंदर तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी होगी। दादा। हाँ बेटा। आज पार्टी है क्या? हाँ, डैडी ऊपर है, उन्होंने कहा है कि आप आते ही उनसे मिले। आओ रवि आओ। बेटे, ये पार्टी मैंने तुम्हारे लिए रखी है। यहाँ आने वाला हर आदमी अरबपति है या उनकी बेटियां हैं। देखो बेटे, वो जो पिंक ड्रेस में है ना, एमपी भैरव सिंह की बेटी है। अगर उससे शादी करोगे तो हम पॉलिटिकली और स्ट्रांग हो जाएंगे। और वो जो छोटी ड्रेस में है ना, सिगरेट वाली, वो सॉफ्टवेयर टाइकून पीएल शिवम की बेटी है। अच्छी है ना? और वो ब्लू ड्रेस में एनआरआई है, उससे शादी करोगे तो हम ओवरसीज में अपना बिजनेस और डेवलप कर सकते हैं। बाकी के सब मेरे कलीग्स हैं और उनकी बेटियां हैं, लेकिन द बेस्ट कम हियर। मिसेस चौधरी की बेटी। हाय। नॉटी, शी इज नॉटी गर्ल। एक ही बेटी है, 100 करोड़ का टर्नओवर है। पर डैडी, आप और मिसेस चौधरी। वो है, ये है, चाहे बाहर जितना भी घूमे आखिर रहेगी मिसेस चौधरी ही। कल तुम इससे शादी करोगे, ये मिसेस रवि हो जाएगी। नेवर मिक्स बिजनेस एंड प्लेजर। डैडी, वसु मेरी जान है, मैं शादी उसी से करूंगा। क्या है उस लड़की में, क्या है उस लड़की में जो इतनी पसंद आ गई? अगर इतना ही मन करता है तो इस्तेमाल करके छोड़ देना, लेकिन शादी मिसेस चौधरी की बेटी या इन्हीं किसी एक लड़कियों में से होगी। अब जाकर तैयार हो जाओ। हेलो वसु, जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ अभी। क्यों? वसु मालूम है, मेरे पापा ने एक छोटा स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया है। जिस लड़की को मैं पसंद करूंगा वो उसे पार्टी में सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। वसु तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बहुत। तो तुम्हारी हो, दैट्स ऑल। ओके। पुआ हाथ हटाओ। नहीं हटेगा। दोबारा मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। दरवाजा खोल, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोल दे। ए हरामजादी कुतिया, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल, जान से मार।